तो विजय जी क्या ये इतना आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए ओम बिरला को दोबारा वो स्पीकर के पद पर स्थापित करा पाए, या वाकई में नायडू कुछ ना कुछ खेल करने की स्थिति में है और पूरी बार्गेनिंग करेंगे? अस्तुर जी, जैसे जितनी संभावनाएं हो सकती थी उन सबका जिक्र विनोद जी ने कर दिया, वैसे क्या क्या संभावना हो सकती है। लेकिन मुझे, आप तो संसदीय राजनीति वाले सब लोग जानने वाले हैं, जब 135 सांसदों वाली कांग्रेस ने क्या किसी दूसरे सहयोगी दल का स्पीकर बनाया था? 209 जब एमपी से कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार में, तो क्या उन्होंने दूसरी पार्टी का एमपी स्पीकर बनाया था? जब 135 एमपीज वाली पार्टी अपनी पार्टी का स्पीकर बनाती है, तो 240 एमपीज वाली पार्टी किसी दूसरे का स्पीकर बनाएगी, ये सवाल मुझे कम वाजिब लगता है। ठीक है, इसलिए जो आपने लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट रियल टेस्ट इन थर्ड टर्म स्पीकर फॉर स्पीकर पोल, न तो ये रियल टेस्ट है और ना अग्नि परीक्षा है, कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से जो सहयोगी दल है उनके साथ बातचीत होती रहती है, टीडीपी भी अपनी बात कर रही होगी, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि, जो आपने बात कही ना मैं उससे सहमत हूँ कि एक सरकार की 303 वाली और 282 की पार्टी का जो इकबाल होता है वो 240 की पार्टी का इकबाल नहीं होता, इसमें तो कोई संशय नहीं। ये कहें कि नहीं उसका फर्क नहीं होगा, वो तो फर्क हो गई, और इसीलिए राजनाथ जी 3 दिन से बैठक कर रहे हैं, सहयोगी दलों को भी बैठा रहे हैं, ललन सिंह को भी बैठा रहे हैं, चिराग पासवान को भी बैठा रहे हैं, सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो सहयोगी दलों के साथ यदि आप हैं तो सहयोगी दलों की बात सुनना सबसे पहली शर्त है, बात मानना शर्त नहीं होती है। गठबंधन में बात मानना शर्त नहीं होती, गठबंधन में बातें मानी नहीं जाती, अक्सर सुनी जाती है, सुनना सबसे पहला शर्त। ठीक है, तो वो सुन रहे हैं। जेडीयू तो इसमें आप वैसे भी अलग कर दीजिए, क्योंकि जेडीयू के डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश जी राज्यसभा में, तो वो तो वैसे भी डिमांड नहीं कर सकते। केवल टीपीपी एक बड़ी पार्टी है जो कह सकती है, लेकिन उसके पास आंध्र प्रदेश जैसी सरकार है जहां उसे स्पेशल पैकेज लेना है, जहां उसे बहुत सारा समझौता करना है, बहुत सारी जरूरतें हैं केंद्र सरकार की, और यहां 18 एमपी हैं जिसमें उन्होंने 2 मिनिस्ट्रियल बर्थ ले लिए, तो इसलिए कोई बहुत हक उनका बनता हो, दावेदारी बनती हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये तो बीजेपी को तय करना है कि क्या वो अपने सहयोगी दल पर कितना बात मान रही है, नहीं मान रही है। और बीजेपी बार बार कहती रही, टीडीपी भी बार बार करती रही कि ये एनडीए का कंसेंसस का कैंडिडेट होगा, तो इसलिए बहुत संभावना तो मुझे लगती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही 90% मैं समझता हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है सरकार में, और स्पीकर बना दे तो वो क्या और दूसरी शर्तें मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। जी माफ करेंगे, आपके बीच में टोकरा, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि 2004 की स्थिति हो या 2009 की स्थिति हो या 1998-99 की स्थिति, जो एक बुनियादी फर्क ये आया है 2024 में वो ये कि सबको ये मालूम है कि ये जो नरेंद्र मोदी वाली सरकार है या भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने सहयोगियों को ही तोड़ देती है, और इसलिए ये डर आज की तारीख में टीडीपी के मन में भी होगा, ये डर जेडीयू के मन में भी होगा, ये डर इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के मन में भी होगा कि भाई उनको 272 का आंकड़ा चाहिए इसलिए हमारी पार्टी टूट सकती है। तो टीडीपी के मन में भी होगा कि उनके कहीं 2/3 विधायक सांसद उधर न चले जाएं और पता चला उनके पास जमा कुछ सांसद बच जाएं, तो वैसी स्थिति में स्पीकर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ये रिस्क लेंगे? मेरा सवाल ये है कि वो जब ये आशंका बराबर बनी हो कि उनके भी सांसद टूट सकते हैं, उनकी भी पार्टी टूट सकती है, तो क्या वो ये रिस्क लेंगे कि बीजेपी का स्पीकर वो स्वीकार कर ले? नहीं, रिस्क नहीं लेनी चाहिए मुझे नहीं लगता, लेकिन ये रिस्क है कहाँ? ये आपके मन में है या हमारे मन में है? चंद्रबाबू के मन में क्यों होगी? क्योंकि वो वहां पर केंद्र में के अलावा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहां भी उनके 8 MLAs हैं, और क्यों तोड़ेगी बीजेपी टीडीपी को आज की तारीख में? तोड़ने की स्थिति तब आएगी कि जब चंद्रबाबू बाहर जा रहे हो, चंद्रबाबू बाहर जा रहे होंगे तब तोड़ने की नौबत आएगी ना। चंद्रबाबू बाहर क्यों जाएंगे? कारण मुझे कोई समझ आए कि भी चंद्रबाबू छोड़कर जाना चाहते हैं, इसलिए कि उनकी सरकार आंध्र प्रदेश में भी है जहां बीजेपी साथ में है, इसलिए कि एनडीए की सरकार में वो शामिल है, यहां भी 2 मंत्री हैं, वहां भी बीजेपी का 1 मंत्री है, उनकी सरकार है, स्पेशल पैकेज है, अमरावती को राजधानी बनाना है, बहुत सारा पैसा लेना है, बहुत सारे कारण हैं, तो क्यों टीडीपी जाएगी?
और मैं बताऊं बीजेपी मुझे नहीं लगता कि अभी किसी भी पार्टी को तोड़ेगी और अपने में शामिल करेगी, किसी भी पार्टी को, खासतौर से जो उसके सहयोगी दल हैं। यदि उसका पहला हमला होगा, जो आशंका हो सकती है, वो होगी इंडिया गठबंधन के दलों को अपनी तरफ लेना। कौन से दल आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। एनडीए के किसी दल में कोई तोड़फोड़ की संभावना, आशंका आप मत समझिए, भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं करेगी, क्योंकि वो उस सरकार को बेवजह स्थिर करने की जरूरत नहीं, और जरूरत ही नहीं है। जब 293 एमपीज हैं तो फिलहाल उस सरकार को करने की जरूरत नहीं। और ये कहना बार बार कि उनको अपना स्पीकर चाहिए जो स्पीकर सरकार की मदद करे, मुझे एक उदाहरण 1952 से आज तक बता दीजिए कोई ऐसा स्पीकर रहा है जो सरकार के साथ नहीं खड़ा। सोमनाथ चटर्जी संसदीय व्यवस्था में मैं सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत स्पीकर मानता हूँ, है ना, और लेफ्ट की विचारधारा के हिसाब से भी। वो भी लेफ्ट को छोड़कर सरकार के साथ खड़े रहे न्यूक्लियर एनर्जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।